बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने बच्चों को उर्दू पढ़ना सिखा रहा हूँ जो फारसी अरबी के अल्फ़ाबेट्स जानते हैं, और अरबी आलिम से कंसल्ट कीजिए। अरबी हम बताएंगे तो बहुत टाइम लगे, हम आलिम तो है नहीं, ठेकेदार सैयद नईमुद्दीन हैं। उर्दू मीडियम से 10-11 क्लास तक पढ़ा, कॉलेज भी गए, बहुत मामूली पढ़ाई पढ़ा। तो मेरे साथ उर्दू पढ़ना सीखे हम उर्दू मीडियम के स्टूडेंट थे, और इसके पास गैब की कुंजियां हैं। अल्लाह ताला सब गैब जानता है क्या होगा, जिनको इसके सिवा कोई नहीं जानता, बस खाली दुआ करना, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मुझे मेरी राह बता। इसे खुश्की और समुंदर की तमाम चीज़ों का इल्म है, और कोई पता नहीं, पत्ता नहीं झड़ता मगर वो इसको जानता है, और ज़मीन के अंधेरों को कोई दाना और कोई हरी और सूखी चीज़ नहीं मगर वो किताब रोशन में लिखी हुई है। देखिए कुरान में सब, कुरानी दुआएं हम डालेंगे इंशाल्लाह, कुरान में सब लिखा हुआ है। तुम दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, ऐसे ही लिखा था, ऐसे ही हो गया। ये सब बोलने से चलेगा नहीं, जो मुफ्त में वक्त गंवाएगा वो आखिर को पछताएगा, कुछ बैठे हाथ ना आएगा, जो ढूंढेगा सो पाएगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना, मुश्किल अगर काम कमर बांध कर करो, रास्ता अगर कठिन है तो सीधे चलो चलो। हिम्मत न हारना कभी, उनको हालात ही न छोड़ेंगे, खुद को हालात पर जो छोड़ेगा, और वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। इसीलिए टाइम इज प्रेशियस, बहुत कीमती है, ये टिक टिक घुन की तरह खा रही है। अपने वक्त को काम में लगाइए। सबाने मौज़म की रातों को नसीब बदलता है, और नमाज के सजदे में दुआ करने से नसीब, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम कहो मैं अता करूंगा, दुआएं कबूल होती। अल्लाह ताला को बोलना चाहिए, हर नमाज में 5 वक्त SMS करना है, जन चाहिए, जोरू चाहिए, जमीन चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, तेरी हूरें चाहिए, तेरा जन्नत चाहिए, तेरा फिरदौस चाहिए, या अल्लाह सेहत चाहिए, दुनिया और आखरत में कामयाबी चाहिए। SMS से TV में दिखाता है ना, ख़राब से ख़राब आर्टिस्ट जीत जाता है। इसलिए बहुत कमज़ोर लोग देखे बहुत कामयाब दिखाई देते हैं, वो अपनी रब की बारगाह में बहुत दुआ करते। एक शख्स बहुत बदमाश था, पूछा दुर्गापुर में तुम करते क्या हो, तो वो बोला रात को 40 बार दरुद ताज पढ़ के सोता हूँ। आप बताइए जो 40 बार दरुद ताज पढ़े कौन है जो उसको दबा दे, हैं? बड़ा से बड़ा काफिर मुशीक पर वो हावी होता था वो, समझे? अभी नाम बोलना अच्छा नहीं है। तो उससे पूछा हमने, हर से पूछा तुम्हारा अमल क्या है, बहुत अमल की बात हम बताएंगे, काफिर मुशरिक का भी इबादत मैंने देखा और डाला भी है। तो कोई ऐसा अमल उसका है जिससे अल्लाह उससे राजी है, इसीलिए उसकी बात को नहीं टालता है।